हेलो व्यूज, वेलकम टू आवर चैनल जयपैक बॉयज। एक और एपिसोड के साथ आपका भाई हाजिर है। इस एपिसोड में हम, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा, रिवील कर रहे हैं कि हमने अपनी मार्क 4 को कौन से कलर में रैप किया है। लेकिन उससे पहले मैं करना चाहूँगा आप लोगों से कुछ बातें। बेसिकली बहुत सारे मसले मसाइल रैप और PPF को लेकर मार्केट में चल रहे हैं, ठीक है। उनके ऊपर मैं थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूँगा बिफोर रिवीलिंग द कार। हो ये रहा है, बेसिकली PPF क्या है? इट्स पेंट प्रोटेक्शन फिल्म। इट्स लाइक अ प्रोटेक्टर। जैसे हमारे मोबाइलों पे हम प्रोटेक्टर लगाते हैं अपनी स्क्रीन को स्क्रैचेस से महफूज करने के लिए, उसी तरीके का सिमिलर मटेरियल अगर उसको हाथ में लेके फील करें तो इट्स लाइक, जैसे हम बचपन में अपनी जो क्लास की कॉपियाँ होती थी, जो 90s वाले बॉयज़ हैं वो स्पेशली समझ पाएंगे इसको, जो क्लास की कॉपियाँ होती थी उस पर मम्मी प्लास्टिक चढ़ाती थी, उस तरीके का प्लास्टिक है जो कि स्क्रैच रिजिस्ट करता है और स्क्रैचेस से आपके पेंट को और बॉडी को महफूज करता है। इवन डीप स्क्रैचेस तक आपकी गाड़ी को नहीं लगेंगे, ठीक है। वो बहुत मोटी फिल्म होती है, ठीक है, जो हम आपकी पूरी गाड़ी पे चढ़ा देते हैं और उससे आपकी गाड़ी प्रोटेक्टेड रहती है। फिर आ जाता है रैप। रैप इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ पेंट प्रोटेक्शन फिल्म। वो साथ साथ में पेंट को प्रोटेक्ट तो कर ही रहा होता है, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ वो आपकी गाड़ी का कलर चेंज हो जाता है। आप अपनी मर्जी के किसी भी कलर में गाड़ी को रैप कर सकते हैं। देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस ऑफ कलर्स, ठीक है। क्रोम रैप्स अवेलेबल हैं, हर तरीके के रैप्स अवेलेबल हैं। अच्छा, अब इसमें आ जाते हैं ब्रांड्स में। तो भाई इसमें कॉपी भी है, चाइना भी है और इसमें ओरिजिनल भी है, ठीक है। आई हैव नेवर यूज चाइनीज़ रैप, ठीक है, मुझे भरोसा नहीं होता उनकी क्वालिटी के ऊपर, ठीक है। प्लस उसमें ये मसला होता है एजेस से निकलना और ये मतलब इस तरीके के इशूज़ जो है ना वो बहुत जल्दी शुरू हो जाते हैं। तो दिस इज़ अ पर्टिकुलर रीज़न वाई आई डोंट यूज़ एनी चाइनीज़ रैप। टेक रैप पहले मैं अपनी पुरानी फॉर्चुनर पे कर चुका हूँ और उसके अलावा मेरे बहुत सारे दोस्त भी अपनी गाड़ियों पे कर चुके हैं, तो मुझे भरोसा है उसकी क्वालिटी के ऊपर और प्राइस से मैं बहुत सेटिस्फाइड। पेइंग 3-4 lakh फॉर अ रैप इज़ फील्स लाइक अ लॉट, ठीक है। आपको वही सेम क्वालिटी उससे कम पैसों में मिल जाए तो ऑब्वियसली यू विल गो फॉर दैट। दैट्स वॉट आई डू, दैट्स वाई आई ऑलवेज चूज टेक रैप, ठीक है। ये हो गई रैप की और PPF की बात। उसके अलावा अगर आपको PPF या रैप करवाना हो, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप मोटोमार्ट से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, दानिश भाई से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और मैं आप लोगों को कहूँगा, स्पेशली जब आप PPF करा रहे हों तो लो क्वालिटी PPF के लिए बिल्कुल ना जाएं, किसी मियारी ब्रांड की तरफ जाएं। लो क्वालिटी PPF ग्लू छोड़ जाता है आपके पेंट के ऊपर। बाज़ अवकात ऐसा भी होता है कि आपका कोई पैनल अगर रीपेंट है तो जो लो क्वालिटी रैप है या फिर लो क्वालिटी PPF है, जब आप उसको उतारेंगे तो वो पेंट साथ लेके आ जाएगा, तो आप जो है वो प्रोटेक्ट करने के बजाय नुकसान में चले जाएंगे। तो इस चीज़ का आप लोगों ने खास ख्याल रखना है। खैर, बातें हो गई बहुत, चलते हैं हम मोमो ऑटोमार्ट की तरफ और आपको दिखाते हैं क्या सीन है। सो बॉयज, मोमो ऑटोमार्ट के रास्ते में हम एक बात मैं आप लोगों से करना चाहूँगा। एक भाई का मैंने कमेंट पढ़ा, उन्होंने कहा कि मैंने एज ए ऑलवेज से मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, उन्होंने कहा आप बहुत बात करते हैं भाई। तो पहली बात, ये क्या है ना व्लॉगिंग, क्या है? बात नहीं करूं व्लॉगिंग में तो क्या करूं, नाचूं? ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। सेकेंडली, दिस इज अ प्लेटफॉर्म वेयर आई शेयर नॉलेज विद यू गाइस, ठीक है। अगर मैं आप लोगों तक नॉलेज नहीं पहुंचा पा रहा तो ये प्लेटफॉर्म फिर बिल्कुल फारिग है, किसी काम का नहीं है। फिर मैं भी व्लॉग बनाना शुरू कर देता हूँ कि मेरी बहन बाथरूम में फंस गई, ठीक है। तो मतलब ये जो पूरा चैनल है, इसका जो मकसद है वो यही है कि मैं आप लोगों तक नॉलेज पहुंचाऊं। तो अगर वही काम मैं नहीं कर रहा और वो मैं काम नहीं कर रहा अलग से, तो फिर इस चैनल का कोई फ़ायदा नहीं है। इफ़ यू आर नॉट लर्निंग फ्रॉम द थिंग्स व्हाट आई एम डूइंग, मेरे एक्सपीरियंस से आप लोग लर्न नहीं कर रहे, सही है, कुछ नया सीख नहीं पा रहे, तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। वंस इन अ ब्लू मून तफरी इज़ गुड, ठीक है, या तफरी के साथ काम इज़ गुड, लेकिन टोटल सिर्फ तफरी 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 which won't give you anything, from which you won't learn anything, that's totally useless. Fair. अब finally अब अगले shot में direct हम मोमो ऑटोमार्ट के बाहर ही होंगे। Boys, here we are at मोमो ऑटोमार्ट टेक रैप। अंदर चलते हैं। ओ, अंदर तो गाड़ी नहीं है। चलो फाइनली हम आप लोगों को दिखाई देते हैं गाड़ी कैसी लग रही है। कॉमिक क्राइम अंडरग्राउंड Yo, 2x2 records. So
बॉयज हियर इज अवर मारखोर माशाल्लाह इट्स लुकिंग वेरी वेरी लिट। थैंक यू टैक रैप, यू हैव डिड एन अमेजिंग जॉब। और जो पिछली एपिसोड थी उसमें कमेंट्स में अप्रॉक्सीमेटली 60-70% ऑडियंस ने खुद से बोला ग्रीन, जबकि किसी को कोई आइडिया ही नहीं था। पिछली जितनी भी वीडियोस थी उनमें हिंट में मैंने कहा था मैं ब्लैक करूंगा और करना भी ब्लैक था, मगर माय फैमिली ऑप्टेड फॉर दिस कलर। दिस इज नॉट एग्जैक्टली मिलिट्री ग्रीन, ये मोजी ग्रीन और मिलिट्री ग्रीन के बीच का कलर है। दानिश भाई क्या बोलते हैं इसको? ये भूल गए मीम लगने की जगह मिल गई। खैर सो बॉयज माशाल्लाह द कार इज लुकिंग वेरी नाइस। मतलब जो गाड़ी का लुक था ना, एक मस्कुलर सा, एक दहशत वाला लुक, तो वो लुक जो है ना वो एक्सट्रीम पे गाड़ी का बाहर आ गया है। आई कांट एक्सप्लेन यू गाइज इन वर्ड्स के मुझे मतलब मेरा बस नहीं चल रहा। मेरी ये डेली ड्राइवेबल कार है ना, इसको मैं हर रोज़ चलाता हूँ। अब ये मुझे इतनी प्यारी लग रही है कि अभी मैं अपने दोस्त से बोल रहा था यार जानी है तो मुझसे हर रोज़ चलाई नहीं जाएगी, तो इतनी खूबसूरत लग रही है मुझे टेंशन रहेगी। तो जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, आप लोग अपनी गाड़ियों के ऊपर पेंट प्रोटेक्शन के लिए पेंट प्रोटेक्शन फिल्म भी यूज़ कर सकते हैं, और आप एक अच्छी क्वालिटी का रैप जैसे कि टैक रैप है उसको भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी एज अ पेंट प्रोटेक्शन फिल्म ही काम करेगा। तो ये है हमारा मारखोर। सिनेमैटिक्स आप लोगों ने देखे, कुछ और सिनेमैटिक्स देखते हैं। गाड़ी में आज भी यहाँ से नहीं लेके जा रहा, गाड़ी में रिसीव करूँगा कल इनके पास से। इनके पास रहेगी थोड़ी सी, अपने हिसाब से जो है वो एडजस्टमेंट कर दें। अच्छा, जब भी कोई भी रैप होने के लिए गाड़ी देता है ना, तो लोग अक्सर औकात किसी भी काम के लिए देते हैं, हमें भी देते हैं, तो वो जल्दबाजी करते हैं, भाई जल्दी गाड़ी दे दो, जल्दी दे दो, जल्दी में हमेशा काम ख़राब होता है। सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे, आज है वेडनेसडे आज, ठीक है, और कल थर्सडे को मैं गाड़ी लूँगा। मैंने खुद बोला कि भाई हाँ आप एक्स्ट्रा टाइम रख लें, आप अपने हिसाब से बिल्कुल जब तसल्ली हो जाए, मुतमईन बख्श हो जाए, फिर आप मुझे गाड़ी दीजिएगा। फिर लोग कंप्लेन के साथ नहीं आएंगे ना यार, अगर आप लोग एक बंदे को काम करने के लिए पूरा टाइम देंगे तो आपके पास आप कंप्लेन के साथ नहीं आओगे यार कहीं से साइड जो है ये सही नहीं है वो नहीं है, तो आप अगले को पूरा टाइम तो दो। जल्दबाजी जब नहीं करोगे आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। लास्ट टाइम जब मैंने पहली बार रैप कराया था तो दानिश भाई ने मुझे कहा कि गिव मी सम टाइम, मैंने उन्हें एम्पल ऑफ टाइम दिया और वो रैप मैंने कोई 2-2.5 साल चलाया है, ठीक है। खुद दानिश भाई भी सरप्राइज थे कि 2.5 साल रैप तुमने चला लिया। तो अगर आप रैप का ख्याल रखें, रैप कैन लास्ट वेरी लॉन्ग। और ये हमारे मारखोर का फाइनल लुक। चलते हैं अब हम घर की तरफ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को फाइनल लुक पसंद आया होगा। गाड़ी तो मैंने कल पिक करनी है, गाड़ी के मैं आपको कुछ और शॉर्ट्स दिखाता हूँ और करते हैं इस वीडियो को फिर रैप। चोज दिस कलर, मैंने जितने पोल्स किए, मैंने कमेंट्स में लोगों से बोला, पूछा, सब ने बोला कि आपने करना है मैट ग्रीन, आर्मी ग्रीन, मिलिट्री ग्रीन, ग्रीन, यही आए सारे कमेंट्स। तो मैंने आप लोगों की चॉइस का कलर किया। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारी गाड़ी का नया लुक बहुत पसंद आया होगा। मारखोर इज एक्चुअली नाउ लुकिंग लाइक अ मारखोर। आई एम सेइंग दिस थिंग लाइक मे बी 100 टाइम, तो लेकिन एक्चुअल में जब हम गाड़ी मॉडिफाई कर रहे होते हैं तो उसमें हमेशा बहुत ज़्यादा गुंजाइश होती है और बेहतर करने की, और बेहतर करने की। इस गाड़ी में भी अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरी नज़र से होने वाली हैं। अब हम इंटीरियर की तरफ मूव करेंगे नेक्स्ट कमिंग आने वाली एपिसोड में, जिसमें कार्बन स्टेयरिंग और इंटीरियर में हम क्या बेहतरी कर सकते हैं वो करेंगे। और नेक्स्ट वीक हम लोग इंशाल्लाह इसका सस्पेंशन मोस्ट प्रॉब्ली और अपग्रेड करने लगे हैं, रेजर वायर वाले शॉक्स की तरफ जा रहे हैं हम लोग ना, उसमें कंफर्ट और ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा। और दिस इज समथिंग विच आई ऑलवेज वांटेड। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इतना केपेबल बनाया कि हम लोग अपने ड्रीम्स पूरे कर पा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बड़ा करम है मेरे मालिक का। अगर आप लोगों को हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल जेपैक बॉयज, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अच्छा बॉयज, ये रहा हमारा बॉय अली, ठीक है, ये रहा हमारा दूसरा बॉय अली, ठीक है। सबर, मैं लाइट जला दूँ पीछे की। अब अली भाई बोल रहे हैं कि मैं अली भाई के साथ जाऊँ E55 में, ठीक है। तो अब मैं जा रहा हूँ अली के साथ, अली को लेके E55 में। अरे कहना क्या चाहते हो, आजा अली चले, अली ले जा रहा है हमारी लेने। आजा चले फ्रॉम अ AMG टू अनदर AMG। ये था हमारा कार रैप रिवील वाला व्लॉग, लेकिन दूसरा गया बन ये गया ना बच्चों। अरे क्या करूँ इसका, क्या करूँ इसका, सही से बंद करो कोस्टर।
यार मैं क्या करूँ ना, ये जब ये तुम बिठा दोगे ना वैगन आर से उतार के, यही हालत गरीबों को नहीं बिठाना चाहिए। अभी कमेंट में कूद पड़ेंगे, आओ गरीब बोल लो भाई, हम सब जो है ना, ये भैया मेरे बचपन का दोस्त है ना, ठीक है मैं बोल सकता हूँ, मुनीब बोलेगा मैं कहाँ गया। अबे तेरी दिखता क्या है टिंड के साथ जहीम भाई, हेलो मैं जा रहा हूँ मौत की सवारी करने। ये दो अभी हम आपको नेक्स्ट शॉट दिखाते हैं, दो स्पीड ब्रेकरों के बाद अभी अगला स्पीड ब्रेकर है, यहीं पाउनी दे दी हो। मैंने बोला स्पीड ब्रेकर। अली तेरी गाड़ी बड़ी है ऐसा मुझे लगता है, इसको जाने दे, इसको ये गोद में ना आ जाए। क्या बात है, मैंने मौत का सफर कर लिया है। मुझे अपने घर जाना है। 100-200 ले लो, नीचे उतार दो, 100-200 ले लो, 100-200 ज्यादा ले ले, लेकिन लैंड करा दे। असल में जानी बात पता है क्या है, जब हम खुद चला रहे होते हैं ना, हर किसी को अपने ऊपर भरोसा होता है। सही है और मेरा माली, नहीं नहीं गाड़ी डरा रही है, माशाल्लाह जान बहुत है, गाड़ी बहुत तेज है, इस द E55 AMG। सही है, और ये एग्जॉस्ट लगा हुआ था, तूने लगवाया यार? ये मैंने इसके कैट पीछे से रिमूव कर दी, VIP प्रो आगे वाले लगी है, बाकी रेजोनेटर और वगैरह सब डिलीट कर, सब डिलीट कर दिया। बेस्ट प्रो बेस्ट, गाड़ी बहुत मजा करा रही है। मुनीब भाई क्या बोलते हैं आप? एक तरफ गई वापस ही नहीं आई, मैंने बोला ये कहां चलेगा अंदर। नहीं नहीं वो आ रही है, वो लंबा बॉय पूरा यार एंगल, तो क्या उसके स्किल पे भरोसा करे, ऐसी बात नहीं है। मैं टू बी ऑनेस्ट, मैं सच्ची बात बताऊं, मैं यहां पे RX सेट का क्लिप डालता हूं कोई, तो ये जो आप RX सेट का क्लिप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो इसकी 2J NA वाली RX सेट मुझे देखते हुए लगता नहीं था कि वो 2J NA है, मैं कितने टाइम तक समझता था इसने कुछ और डाला। एक टंड्रा की भी है मेरे पास, टुंड्रा की भी है, ये भी आप चेक करें, बॉय को जाए फॉलो करें आप इंस्टाग्राम पे, स्क्रीन पे आ रहा है इसका लिंक। सो गाइस इसी अपने पन के साथ अपने भाई को रखिएगा दुआओं में बहुत ज्यादा याद। अगली एपिसोड में हम अपनी एक और नई गाड़ी को रिवील कर रहे हैं, तो अभी से मैं बता रहा हूँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाद में मुझे मत बोलना यार मुझे तो पता ही नहीं चला आपने एक और गाड़ी ले ली। तो अगले एपिसोड में जो हम गाड़ी रिवील करने जा रहे हैं, इट्स अ रेयर JDM कार, शायद पाकिस्तान में चुनिंदा ही है, 5 या 7 होंगी, ठीक है, तो वेरी फन कार टू ड्राइव, आई एम लविंग द कार। तो आपने करना चैनल को सब्सक्राइब, अपने भाई को दुआओं में याद रखना है, मिलते हैं अगले एपिसोड में, अल्लाह हाफिज़।